जॉर्डन ने मारा आसमा के चाकू, क्या आसमा की हो जाएगी मौत? भाई उदारिया के एपिसोड में कुछ ना कुछ डेली ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अभी हमने देखा था कि अरमान जेल में है और यहाँ पर जो आसमा है वो ढूंढ रही है कि कौन है मेन कातिल, और हम देखेंगे कि भाई जो जॉर्डन होता है उसको कैद कर लेती है क्योंकि आसमा को पता है कि जॉर्डन और आलिया ही है इन सबके पीछे, लेकिन उसको ना अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर अरमान के घर वालों के हेल्प से वो जॉर्डन को कैद कर लेती है, जाल में बंद कर देती है और फिर उससे पूछती है कि भाई अब तो मुझे बताओ कि कौन है मेन मर्डरर और कैसे तुमने मारा है, और तुमने नहीं मारा तो किसने मारा है। यहाँ पर जॉर्डन थोड़ा घबरा जाता है, जॉर्डन कहता है कि मैंने तो नहीं मारा है लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि किसने मारा है, मैं उसका नाम बता सकता हूँ। और जिसे सुनकर ना आलिया के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर जो आलिया होती है वो उसको धमकाती है चाकू रखकर उसकी गर्दन पर, बोलती है मैं एकम रंधावा की बेटी हूँ और तुम मुझसे ना पंगा मत लेना, तुम मेरा नाम बिल्कुल भी मत बोलना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अरमान किसी तरह बाहर आ जाए। और यहाँ पर जॉर्डन बोलता है हाँ मुझे पता है, मैंने इसी तरह की प्लानिंग की है, मैंने आसमा को ना कबीर के घर बुलाया है और अब वहां पर उसको हम फंसाएंगे जिस तरीके से हमें फंसाना है। और फिर हम एपिसोड में देख रहे हैं कि जो आसमा है ना उसके हाथ सबूत लग गया है, उस सबूत में क्या होगा वो तो देखना होगा, लेकिन कुछ लग रहा है कि भाई वो जॉर्डन और आलिया के खिलाफ है, कुछ हो सकता है, कुछ पिक्चर्स हो या हो सकता है वो चाकू हो जिससे वाकई में उसको मारा था कबीर को, क्या कुछ होगा उसमें वो तो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर ये तो साफ हो गया है कि कुछ उसके हाथ लगा है जिसके पीछे ना आलिया और जॉर्डन पड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि जॉर्डन और आलिया उसके पीछे भाग रहे हैं और आसमा यहाँ पर सबूत को बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भाई जो जॉर्डन है ना वो पत्थर उठा लेता है और वो मारने ही वाला होता है, और लेकिन आसमा कहती है ठीक है तुम मुझे मार दो। तो अब देखते हैं क्या जॉर्डन उसको मार देगा, और अगर नहीं मारेगा तो, और जो उसके हाथ में आसमा के हाथ में सबूत है क्या वो एकम के बाद पहुंच जाएगा, क्योंकि भाई अगर एकम के हाथ लग गया वो सबूत तो हो सकता है यहाँ पर अरमान को जेल से बाहर निकाल दिया जाए और जो मेन मर्डरर है, जो मेन मास्टरमाइंड है आलिया, उसको पकड़ा जाए। वैसे आप में बताइए आपको दारिया का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है भाई कि आलिया पकड़ी जाएगी, और अगर आलिया पकड़ी जाएगी तो अरमान का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अरमान ने ये तो कभी नहीं सोचा था कि आलिया इस तरीके से गिर जाएगी कि भाई आसमा को फंसाएगी।